जौनपुर का धरती है, जौनपुर जौनपुर सुल्तानपुर में कबो मेल भर न हो लोग अंदाजा लगा यार दाई के दाई नहीं फैसला वही हो जाएगा वही मारे तो रोटे वाली चक्कर ऊपर चक्कर लेके भगने मारे भाई तीसरे कलाकार को भी चाहिए कि छोटा कलाकार हूँ इनान भाई सीधा पड़ा तुम्हें इनान को मौका देवे की तू तो हमारे बाबू हो गया तू तो जब करे रहा लड़का पोता नाती वाला फूल हो गई ना अरे हमारे जब आए नहीं तो भाई फूल हम कली नहीं फुलाए तू पहले ही करे गाल देगा कहा जाओ हमारे भैया ठीक है मनो देखा इतना वहीं इतना करे के चाहिए नहीं ठीक है कोई बात नहीं हमने उनका सम्मान किया तीसरे कलाकार का हमने सम्मान किया भाई तीसरे कलाकार को भी चाहिए कि छोटा कलाकार हूँ नानू भाई सीधा पड़ा तुम्हें इनान को मौका देवे की तू तो हमारे को बाबू हो गया तू तो जब करे रहा लड़का पोता नाती वाला फूल हो गई ना अरे हमारे जब आए नहीं तो भाई फूल हम कली नहीं फुलाए तू पहले ही करे गाल देगा कहा जाओ हमारे भैया ठीक है मनो बैठा हमारे गुरु भाई हम ज्यादा कुछ ना कहा एक बढ़िया गर्मी लिया देवे वाला वीर रस की महाभारत से एक लोकगीत आप लोग को सुनाई रोहा ठहरा जाइए आप लोग सुनिए बुझे उसकी शिवराम चाचा के दीवाना हूँ अब हमारे के दीवाना बने में टाइम लगी ज्यादा रात शायद बन गई ठीक है दोनों बात नहीं हो देखा इतना वाले इतना करे के चाहिए जौनपुर का धरती है जौनपुर जौनपुर सुल्तानपुर में कबो मेल भर न हो लोग अंदाजा लगा यार दाई के दाई नहीं फैसला वही हो जाएगा वही मारे तो रोटे वाली चक्कर ऊपर चक्कर लेके भगने मारे दुनिया में दुनिया बढ़ावा जा रहा तब तो तुम्हारे बिहार ना ठीक है एक तो बढ़िया बिहार सुनाई अच्छा जे उनकर जे शिवराम चाचा के चाहे वाला हुआ उनके तो बुरा लगा वही लड़कवा आदमी कबंड बोला था ऐसा कोनो बात ना हम चाचा घर जाके समझ ले आप लोग अपने दिल पर मत लिया भैया तो हम अपने दिल पर मत लिया बचपन से उनका प्यार दुलार मिला हमने सीखा है उनसे लेकिन लड़कवा तो कदर करके चाहिए ना जा चला ठीक है जा हारमोनिया बढ़ावा एम आर जनवा ले ली है तब मनी है तो जना है ही वाला हम शिवराम चर्चा वाला ले लेंगे तो यह गायबर है अरे चला है अब बीना जी He died.
श्याम सुंदर से जितना लोग बैठल हुआ अंदाजा लोग लगाई है बात तो इसे बोलते थे राजा जो आंख से अंधा हुई उनके शंका होके लगा कि हमके तो लगा था जो भीष्म पितामह हूँ कि पांडवों से जाके मिल जाऊं खाली हमारी वरी अदा पूरा बतिया बना के धृतराष्ट्र भीष्म पितामह से कहलो दादा भीष्म कहले बात हमारे कुछ समझ में नहीं है राजन धृतराष्ट्र कहले हमके शंका होता कि तू पांडवन से मिलल हुआ यही से तुम मरात नहीं हुआ प्रतिज्ञा कैलन पांच बार निकाल कर थी शाम तक पांडव मचे अगर एक भी जिंदा बन गई तो हमारा नाम भीष्म पितामह ये बतिया भगवान का नैया कर पता चला कि दादा भीष्म को प्रतिज्ञा कर रहे हुआ माई कुंती से कारण अगर पांचों बेटवन के जान बचावन चाहता रू जाकर पांचों बड़वा मांग लिया वाला में 4 बजे आसन पे बैठे भीष्म पितामह 4 बजे दुर्योधन के पत्नी रो माया वाला पूजा कर रहे हम माया करे थी उठबन करी जा कुंती और द्रौपदी चलन बानी भीष्म पितामह के पास जाकर पहुंचली वह पैरवा पकड़ के लटक रही दादा आसन पे हूँ आंख बंद करी सदा सुहागर रहो यो मस्त द्रौपदी ऐसे पैरवा पितामह ये पितामह अखिया खोला पहला तो सदा सुहागन रहो यो मस्त कूतो नहाओ खोलो और यहाँ से यहाँ अब प्रतिज्ञा कही हुआ 5 बार उठेगा माने हमारे पति के जाने लगा तू कैसे फिर पितामह पूछ रहे कि सारा खेला ही खलिया के है कन्हैया के वही खेला कैले हुआ आमने सामने रख भैरवा कुरुक्षेत्र के मैदान में एक तरफ भगवान कन्हैया के दूसरी तरफ फिर पितामह के सवाल कैलन कहा कैलन
ये मेरी प्रतिज्ञा है।